नमस्कार, योगिता रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे कुलीप का सेहतमंद ऐसे झुनका, देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। आज हम कुलीप का झुनका बनाने वाले, यानी कुलदी का झुनका। ये कुलीप ऐसे रहते हैं और बड़े फायदेमंद ऐसे ये कुलीप है, तो इससे हम आज झुनका बनाएंगे। तो ये मैंने रात भर भिगोए थे, इतने लिए मैंने, तो भिगोए हुए है। आप बिना भिगोए भी इसका झुनका बना सकते हो, लेकिन आपको फिर ज़्यादा सीटी करनी पड़ेगी कुकर में। इसमें मैंने लिया है मालवणी मसाला 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ पे 2 लौंग और 4 काली मिर्च के दाने हैं, 1 तेज पत्ता है, राई लगेगी, नमक लगेगा, तेल, पानी और 1 छोटा प्याज बारीक कट कर लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 कप सूखा नारियल। सबसे पहले तो कुलीप में ले रही हूँ और इसे मैं 4 से 5 सीटी लगा के उबाल लेती हूँ। गैस पे मैंने एक पैन लिया है, पहले हम प्याज भुनेंगे। 1/2 टीस्पून में तेल डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। पहले हमें एकदम मस्त लाल करके लेना है प्याज को, बाद में इसमें नारियल ऐड करना है, सूखा नारियल। प्याज थोड़ा भून चुका है, अभी मैं सूखा नारियल इसमें ऐड करूंगी और इसमें से 10 से 12 लहसुन की कली है उसमें से मैं 8 इसमें ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ता इसमें ऐड करेंगे और ये 2 लौंग और 4 काली मिर्च के दाने और मैंने 1/2 इंच अदरक का लिया है, वो भी ऐड करूंगी। देखिए मसाला भून चुका है, अभी गैस की फ्लेम बंद करूंगी। साइड में मैंने कुकर लगा दिया है, अभी इसे हम मिक्सी में पीसते हैं। ठंडा हो चुका है मिश्रण, अभी हम इसमें पीस लेंगे। 4 से 5 सीटी लगाकर कुलीप देखिए मैंने उबाल लिए हैं, देखिए एकदम मस्त सॉफ्ट हो चुके हैं। तो थोड़े से हार्ड होने की वजह से इसे ज्यादा सीटियां देना, और अभी हमें इसमें ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में चला लेना है, इसकी पेस्ट तैयार करनी है। झुनका भी बनाते हैं हम। देखिए मिक्सर के जार में हमने जो मसाला पीसा है वो भी रेडी है और यहाँ पे मैंने वो कुलीप भी पीस लिए, थोड़े से दरदरे रखने, पूरा हमें वही पानी लिया है मैंने जो उबलने के टाइम लिया था उतने में ही मैंने पीस लिया। देखिए दरदर ऐसा ऐसा मिश्रण रहना चाहिए। गैस मैंने ऑन की है, गैस पे एक कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी हम 1 टीस्पून तेल इसमें ऐड कर रहे हैं। गैस की फ्लेम धीमी है, 1/2 टीस्पून राई डाल रही हूँ मैं, राई थोड़ी सी तड़तड़ हो जाए फिर हम हींग डालेंगे इसमें। पाव टीस्पून में यहाँ पे हींग डाल रही हूँ और लहसुन की कलियां डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं। और जो मसाला हमने ग्रेवी बनाई थी नारियल और प्याज की, वो तुरंत हम इसमें ऐड करने वाले हैं। मिला लेते हैं अब ये सारे मसाले, हल्दी, गरम मसाला और मालवणी मसाला, ये भी इसमें मैं ऐड करूंगी। अब हमने जो पेस्ट तैयार की थी कुलीप की, वो भी इसमें हम तुरंत ऐड करेंगे। सारी मैं निकाल देती हूँ, इसमें अभी मैं 1 कप पानी डालूंगी, जो मसाले का और जो हमने कुलीप पीसे थे उसका पानी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिला लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को धीमी ही रखा है और हमें पानी लगने वाला है, मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा रही हूँ और मैंने 1 कप पानी और ऐड किया है इसमें। अब हमें खाली इसमें नमक मिलाना है, 1 उबाल आने के ऊपर हमें नमक मिला लेना है। ये झुनका बहुत काफी मस्त लगता है और जो नई माता बनी है उनके लिए काफी फायदेमंद है ये, ठंडी के मौसम में कोई भी इसे पी सकता है और ये इसे चावल के साथ तो बहुत बढ़िया लगता है। कुलीप का सेहतमंद ऐसा ये झुनका बन जाता है। आप अगर नई माता के लिए बना रहे तो इसमें जो मालवणी मसाला ऐड किया है वो ना डालें, बाकी सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसे उबाल आने देते हैं हम 5 मिनट बाद। देखिए छोटा सा उबाल आ गया है और इसे बीच बीच में चलाते रहिए, ऐसे चलाते रहना है इसको, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। मीडियम हीट के ऊपर मैंने उबाल आने दिया था, अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, स्वादानुसार नमक ऐड करें।
और कोकम में डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिएगा। देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहिए, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा, एक गाढ़ा होने लगता है, इसलिए मैंने इसमें 2 कप पानी मिलाया है। 4 लोगों के लिए ये काफ़ी है, आपको अगर 2 लोगों के लिए करना है तो 1/2 कप ही इसका ले सकते हो कुली, क्योंकि पिसने के बाद देखिए कैसे हो गए, मस्त को उबाल आने देंगे। पहले भी मैंने कुलीत पिटी का एक वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, चैनल का वो टॉप वीडियो है, जल्दी जल्दी में आप उसे बना के खा सकते हो। चावल के साथ हम लोग खाते हैं कोकण में ज़्यादातर, मस्त बनती है वो भी पिटी, और ये झुनका भी बहुत मस्त है ठंडियों के सीजन में, और रेनी सीजन में तो काफ़ी लाभदायक है, आफ्टर डिलीवरी तो बहुत ही काफ़ी फायदेमंद है, सिर्फ बहुत से हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी, जैसे मूतकड़ा है, और मासिक धर्म में भी लेडीज़ को काफ़ी फायदेमंद है। अभी मैं गैस की फ्लेम धीमी कर रही हूँ, धीमी आँच में हम दो मिनट रखेंगे लगातार चलाते हुए, और बाद में हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। गैस की फ्लेम अभी मैं बंद करूँगी, देखिए कुलीत पिटे वैसे ही, लेकिन इसका इसमें हमने अलग से मसाले डालने की वजह से झुनका बहुत मस्त लगता है, स्वादिष्ट लगता है। देखिए हो चुका है, अभी गैस की फ्लेम में बंद करूँगी। चलिए अभी हम इसमें सर्विंग बाउल में निकालते हैं, देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, देख सकते हो, इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी पीने में बहुत बढ़िया है। वाह, अरोमा तो इतना फैल रहा है, मस्त, इतना गर्मा गर्म कुलीत का झुनका रेडी है, चावल के साथ तो बहुत बढ़िया ऐसा लगता है, क्या बताओ आपको, मस्त लगता है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है और टेस्टी हो जाता है, मैं इसे थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ आपको। वाह मस्त, मैंने इससे पहले भी कुलीत से पीठी का वीडियो डाला है, मालवणी कुलीत पीठी, जल्दी जल्दी में बनने वाला, और वो कुलीत के आटे से बनने वाला पीठी है, और ये झुनका है, तो ये भी मस्त बनता है, अलग तरीके से बनाया है, लेकिन ठंड में बहुत अच्छा स्वादिष्ट और सेहतमंद ऐसा है, तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने फ्रेंड्स परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।